अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। ये मैंने कुछ कटिंग्स पानी में ग्रो की थी, तो इसमें ये नीलम है जिसे लाल बादशाह भी बोलते हैं आम नर्सरीज में। तो आज आपको मैं ये लाल बादशाह के मतलब बताता हूँ, इसकी लोगों ने क्यारियाँ भी बनाई होती हैं और ये हैंगिंग पार्ट्स में बड़ा अच्छा लगता है। ये देखें, इसकी जड़ें आ चुकी हैं, बल्कि ये लीव्स भी आ गए हैं इसके। ये बिल्कुल, ये मैंने टहनियाँ ही लगाई थी। मेरा बाहर एक पौधा था, वो ख़राब हुआ हुआ था, तो उसकी मैंने सारी कटिंग कर दी थी। तो जो कटिंग आई थी उसको मैंने ये पानी में टिप कर दिया था। ये तकरीबन 15 दिन के बाद ये इसकी जड़ें वगैरह इस पोजीशन में आ गई हैं। ये देखें, या अब मैं इसको इस पॉट में लगा दूंगा। पॉट तो अभी छोटा है, अभी फ़िलहाल यही है मेरे पास, इसमें मैं इसे लगाता हूँ। तो मैं इसका नेक्स्ट जो है वो इसको हैंगिंग पॉट में मैं इसको ट्रांसफ़र करूँगा। ये एक छोटा प्लास्टिक का पॉट है, मिट्टी इसकी बहुत नरम हुई हुई है। पानी इसको भी मैंने साथ ही दे दिया था दूसरे गमलों के। इसको ज़रा मैं सेट कर लेता हूँ, तो इसमें इसको ट्रांसफ़र कर दूँगा। यह सिंपल नर्सरी वाली मिट्टी है जिसे बालू मिट्टी भी बोलते हैं, इधर लोकल हमारे बल भी बोलते हैं। बस ये लेनी है, इसमें ऐसे ये सुराख उंगली से कर ले चाहे किसी चीज़ से कर लें। तो इनमें ये इसको लगाते जाना, ये जो इनके लीव्स बिल्कुल नहीं थे, ये पानी में ग्रो हुए हैं। ज़्यादा दिन इसमें पानी में रखा मैंने, ये टू ग्रो है। ये धूप में भी चलता है, छाँव में भी चल जाता है। लाल पत्ती भी इसको बोलते हैं। वैसे नर्सरी में भी बहुत सस्ता मिल जाता है। छोटे छोटे इनके पौधे बनाए होते हैं, वो 10-10, 15-15, 20-20 रुपए में मिल जाते हैं। हाँ, 15-15 रुपये में मैं लाया भी था। पॉलीथीन का नीचे मिट्टी में डाली होती है। मगर यह है कि घर में आप ये बनाए तो इसका एक तो फ्री के बन जाते हैं, कॉस्टली तो नहीं है, मगर यह है कि बंदे को शौक़ पैदा होता है गार्डनिंग का। इनकी अभी नहीं आई, तो इसको मैं वापस पानी में डाल रहा हूँ। 2-3 टहनियाँ हैं, इसमें थोड़ी सी मिट्टी ऊपर डाल देते हैं ताकि इनको ज़रा और सपोर्ट मिल जाए। इसको पानी दे देना, पानी
पानी देने के बाद इसको बस इसी तरह कोई ब्राइट एरिया में रख दें, तो फिर ग्रोथ जो है वो अच्छी हो जाएगी। उसके बाद आप इसको उठा कर कुछ दिन बाद, हफ्ते एक हफ्ते बाद इसको बिल्कुल आप धूप में भी रख सकते हैं, या 4-5 घंटे की धूप आ जाए वहाँ रख सकते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।